नमस्कार, इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। करवा चौथ के मौके पर एक पत्नी ने किया बड़ा कांड, मामला जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के मऊ जिले में कोपागंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा लहरो रहने वाले एक प्रेमी युगल के शादी की चर्चा जनपद में चर्चा में रही, जिसमे की बताया गया की प्रेमिका ने करवा चौथ के खास दिन पर अपने पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ मंदिर में जाकर जनता के सामने अपनी मांग में अपने प्रेमी से फिर से सिंदूर भरवाकर उसकी हो गई। दरअसल विजय शंकर अपने ननिहाल ग्राम सभा खूंटी मखना कोपागंज में रहता था, जहां सन 2018 में इस गांव की रहने वाली प्रमिला से उसकी आंखें चार हो गई। लेकिन 5 महीने पहले प्रमिला की शादी मऊ शहर के भीटी निवासी आकाश नाम के युवक से हो गई। आकाश प्रमिला से शादी करके पूरे परिवार के साथ मिर्जापुर चला गया, लेकिन शादी के बाद भी प्रमिला और विजय शंकर आपस में बात करते रहे। विवाह के 10 दिन बाद प्रमिला आकाश को छोड़कर विजय शंकर के पास भाग आई। इसमें समझौता हुआ, जिसके बाद प्रमिला वापस फिर आकाश के पास भेज दी गयी और प्रेमी विजय शंकर अपने रोजगार के सिलसिले में गुजरात के सूरत में गया। वहां जाकर एक कंपनी में नौकरी करने लगा। इधर एक दिन आकाश पूरे परिवार के साथ मिर्जापुर से मऊ आया था कि प्रमिला मौके का फायदा उठाकर ट्रेन पकड़कर सूरत में काम करने वाले विजय शंकर के पास भाग गई। इधर प्रमिला की मां की शिकायत पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विजय शंकर प्रमिला को सूरत से लेकर अपने गाँव आ गया। यह बात आकाश को जैसे ही पता चला कि प्रमिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर पर है, तो कुछ लोगों को लेकर शनिवार की रात में विजय शंकर के घर पर पहुंचा। कुछ बात विवाद होने लगा, जिसकी सूचना डॉयल 112 पर मिलने के बाद रात में पुलिस पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी को रविवार की सुबह 10 बजे थाने पर आने को कहा गया। जब थाने पर पंचायत में पति आकाश वहां नहीं पहुंचा, प्रेमिका पत्नी प्रमिला और विजय शंकर ने थाने के सामने ही गौरी शंकर मंदिर में शादी कर ली। नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। अब देखिए, हनुमान शंकर भगवान का मंदिर है जो कोपागंज में, उसी में शादी हो रहा है, प्रेम विवाह है तरह से कहा जाए। दिखा रहा हूँ आपको लाइव तस्वीर है, लड़का लड़की चल लगा भर पांच पे लगा, पांच पे लगा तो सबको लगी ना बता दें कि कोपागंज का शिव मंदिर है और थाना के बगल में, और यहाँ बता दें कि एक लड़की लड़का आज ही प्रेम प्रसंग में आए और भाग कर घर से लड़की आई है और शादी मंदिर में हो रहा, देख सकते हैं। करवा चौथ है और करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए भगवान भोलेनाथ का। तो बता दूं कि करवा चौथ पर आप देख सकते हैं ये लोग आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर में। इनकी मम्मी के भेज दो। बता दूं कि आज कोपागंज थाना की घटना है, प्रेमी प्रेमिका मंदिर में शादी रचा रहे हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट ऑफ उत्तराखंड।